मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल बेल्ट में भी अब बादल टूटकर बरस रहे हैं। बेतवा नदी उफान पर है, इसके किनारे के गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। शिवपुरी के मोहिनी सागर और मड़ीखेड़ा बांध के गेट खोलने से सिंध नदी में भी जलस्तर बढ़ गया है। रविवार दोपहर भोपाल के कोलार डैम के चार गेट खोलने पड़े। क्वारी नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। खंडवा में इंदिरा सागर बांध के 12 गेट खोलने पड़ गए। सीहोर के नरसुलगंज और रहटी में भारी बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। शिवपुरी में बेतवा नदी उफना गई। टापू पर फंसे दो चरवाहे और उनके जानवरों का रेस्क्यू किया गया। मध्य प्रदेश को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड से नवाजा गया है। इस अवार्ड के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी रेस में शामिल थे। इससे पहले 2017 में भी मध्य प्रदेश को अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। प्रदेश में विद्या बालन की शेरनी से लेकर कई वेब सीरीज जैसे पंचायत, आश्रम और महारानी की शूटिंग हो चुकी है। बॉलीवुड की हीरोइन दिव्या दत्ता ने मध्य प्रदेश की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि एमपी ने दिल छू लिया है, यहाँ पर आकर अच्छा लगा। शूटिंग के दौरान ना तो कोई परेशानी हुई और ना ही झंझट रही। यह भारत में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट है। दिव्या ने वीडियो जारी कर कहा, एमपी थैंक यू शूटिंग के दौरान सपोर्ट और साथ रहने के लिए। यह बात उन्होंने मध्य प्रदेश को 68वां नेशनल फिल्म अवार्ड 2020 में मध्य प्रदेश को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मिलने के बाद कही। भोपाल शहर में हो रही लगातार बारिश से निचली बस्तियों में पानी भर गया है। पुराने भोपाल के नारियल खेड़ा क्षेत्र जलमग्न हो गया है। जानकारी के अनुसार उत्तर भोपाल के जोन क्रमांक 3 के वार्ड 12 के घरों में भी बारिश का पानी भर गया है। स्थानीय लोगों ने नवनिर्वाचित पार्षद देवेंद्र भार्गव का घेराव कर दिया। समस्या देखने पहुंचे पार्षद भार्गव ने निगम अधिकारियों से संपर्क कर मौके पर स्थितियों की जानकारी के साथ आपात स्थिति से निपटने के लिए बुलाया, लेकिन अधिकारियों ने मौके पर पहुंचने से इनकार कर दिया है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में शिव भक्ति में डूबे एक कलाकार ने पेड़ की जटाओं और सूखी लकड़ियों से बाबा महाकाल की प्रतिमा का निर्माण किया है। करीब 10 फीट ऊंची यह विशाल शिव प्रतिमा लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दूर दूर से लोग इस प्रतिमा को देखने आ रहे हैं और प्रतिमा बनाने वाले कलाकार ऋषभ कश्यप की तारीफ कर रहे हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।